दोस्तों, क्या आपका भी WhatsApp पे वेरिफिकेशन करते टाइम आपका कोड रिसीव नहीं हो रहा है? तो आपके लिए गैस ये वीडियो रहने वाली है। गैस यार, यहाँ पे बहुत लोग का मेरे पास DM आया हुआ था कि भाई मैं WhatsApp को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा WhatsApp लॉगिन नहीं हो पा रही है। यानी कि गैस मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, गेट कोड बाय यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास कोड रिसीव नहीं हो रहा है ताकि मैं अपना मोबाइल को रजिस्टर कर सकूँ, व्हाट्सएप में रजिस्टर कर सकूँ। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोड रिसीव नहीं होगा। ठीक है, ये काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है अभी अभी के टाइम पे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, सो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफी लोगों को व्हाट्सएप पहले बैन हुआ होगा जिस कारण से भी ये गाइस ये प्रॉब्लम आती होगी, काफी लोगों को ऐसे भी आती होगी। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कंटिन्यू वॉच करना, 100% आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आपको 100% आपको कुछ ना कुछ सीख के मिलने वाली है और 100% आपका कोड आ जाएगा, रिसीव कर लोगे, अपना व्हाट्सएप को लॉग इन कर लोगे। यहाँ पे जैसे देखिए, डोंट रिसीव कोड, यहाँ पे यानी कि मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया हूँ, नंबर डाला हूँ, बट मेरे पास कोड रिसीव नहीं हो रहा है। कितना भी कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं डोंट रिसीव कोड पे मैं क्लिक भी करूंगा फिर भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, डोंट रिसीव कोड का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए कॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस कॉल का ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक करूंगा फिर भी यहाँ पे गाइज नहीं आने वाला है कोड। ठीक है, क्योंकि यार व्हाट्सएप क्या किया है, इसको अच्छा तरह से वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, या फिर इसको कोड देने में कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर आप कुछ परमिशन को ऑफ करके रखे हैं अपना फोन में जिस कारण से आपके पास कोड रिसीव नहीं हो रहा है। कई बार होता क्या है कि आप कुछ परमिशन जो भी मोबाइल में व्हाट्सएप जो मांगता है कि ये सब परमिशन अलाउ करके रखो, तो वो सब अलाउ आपका नहीं होगा, इस कारण से भी होगा। तो चलिए वीडियो में आपको कंटिन्यू वॉच कीजिए, आपको हर एक सेटिंग बताऊंगा क्या सेटिंग आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस कारण से आपका ये चीज नहीं आता है, तो वो चीज को आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सो मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको, कंटिन्यू वॉच करते जाओ। तो सबसे पहले गाइज, व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किए हैं तो एक बार अपडेट कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ अपडेट के कारण भी आपका नहीं आता होगा। तो सबसे पहले गाइज, ये चीज को आपको करना नहीं भूलना है, अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है व्हाट्सएप में। अपडेट करने से क्या होगा कि आपका जल्द से जल्द कुछ भी अपडेट आती है तो तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपडेट एक बार कर लेता हूँ, मेरा भी अपडेट नहीं था यहाँ पे, तो मैं अभी अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस जैसे यहाँ पे मैं अपडेट कर लूंगा, यहाँ पे अपडेट होने देते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है सो भी बताऊंगा। तो इसके लिए गाइस, अपडेट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे मिल जाएगा ऐप सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ऐप सपोर्ट। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे ऐप सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद गाइस यहाँ पे एक एरो मिलेगा, इस एरो में आपको सिंपली से क्लिक करनी है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे इस एरो में क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस मिल जाएगा व्हाट्सएप का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली से क्लिक करनी है और सिंपली सब रिडायरेक्ट जीमेल में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, टाइटल लिखना है यानी कि सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है डियर व्हाट्सएप रजिस्टर मोबाइल नंबर कोड रिसीव। ठीक है, डोंट रिसीव, यहाँ पे सिंपली से लिख दीजिएगा माई व्हाट्सएप रजिस्टर वेरिफिकेशन नॉट रिसीव। ठीक है, ये चीज को लिखने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको गाइज मिल जाएगा, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, या फिर यहाँ पे लिखिएगा डियर व्हाट्सएप टीम, यहाँ पे लिखिएगा मोबाइल नंबर सबसे पहले यहाँ पर डाल दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा माई नंबर वेरिफिकेशन कोड रिसीव प्रॉब्लम, प्लीज फिक्स दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये चीज को आपको फिक्स करने के बाद ऊपर में देखिए एरो का ऑप्शन मिलेगा, सेंड में क्लिक कर दीजिएगा। ये गया पहला स्टेप, और भी दो तीन स्टेप आपको करना है जिसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये चीज करने के बाद आपको एक और स्टेप करना है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपना व्हाट्सएप ओपन करनी है, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर देखिएगा हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, और हेल्प में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, टिन डॉट पे क्लिक करने के बाद उसको डजेंट मैटर में नीचे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आपको क्या करना होगा, सबसे नीचे आपको विजिट दिस पेज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस विजिट दिस पेज पे आपको सिंपली से क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद क्या करना है यहाँ पे सो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, विजिट दिस पेज यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे विजिट दिस पेज पे आपको क्लिक करनी है, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करोगे, सबसे नीचे आओगे, सबसे नीचे में आपको मिल जाएगा वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन। ठीक है, कोड रिसीव नॉट रिसीव मिल जाएगा, तो सबसे नीचे में आपको क्लिक करनी है इस ब्लू ग्रीन आइकन में। ठीक है, ग्रीन जो कलर से है तो इस पर सिंपली से आपको क्लिक करनी है। अब जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करते हो, तो जैसे क्लिक करते हो इस पे गाइस, उसके बाद सबसे नीचे आओगे यहाँ पे, यहाँ पे जो जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर आपको सिंपली से क्लिक करनी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा,
यहाँ पे देखिए अबाउट टू स्टे वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिस आर्टिकल को ऑप्शन मिलेगा, तो दिस आर्टिकल के नीचे सबसे नीचे आओगे यहाँ पे हाउ टू वेरिफिकेशन, ठीक है, इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद गाइस थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पे देखिए, फिर से गाइस थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करोगे यहाँ पे सबसे नीचे आओगे, सबसे नीचे आना आपको, यहाँ पे देखिए रिसीव फोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा टू स्टेप वाला। फिर से गाइस आपको सबसे नीचे आनी पड़ेगी, यहाँ पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करोगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रजिस्टर फोन नंबर, ठीक है। तो इस रजिस्टर फोन नंबर पे क्लिक करनी है, उसके बाद आपका यहाँ पे खुल गया। उसके बाद यहाँ पे करना क्या होगा, एस पे क्लिक करनी है, ठीक है, यहाँ पे एस पे क्लिक करनी है और यहाँ पे एक आर्टिकल सबको पोस्ट करनी है, ठीक है। यानी कि पोस्ट क्या करनी है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इसको सिंपली से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मोबाइल नंबर पे डाल दीजिएगा जिस नंबर पे आपका कोड रिसीव नहीं हो रहा है, सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज आपको करना ही करना है, ताकि इससे क्या होगा आपका व्हाट्सएप नंबर पे जल्द से जल्द कॉल रिसीव होने लगेगा, ठीक है। ये चीज करने के बाद अब आते हैं तीसरा स्टेप के, तीसरा स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है और हर किसी को करना चाहिए, ठीक है। ये चीज करने से क्या होगा, आपका व्हाट्सएप जल्द से जल्द आपका सॉल्व होगा। आपको जो भी व्हाट्सएप में प्रॉब्लम होती है सबसे मेन यहीं से सॉल्व होती है, क्योंकि ये फॉर्म को फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो इसके लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप कॉन्टेंट अस सर्च करना है क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी ब्राउजर पे आना, यहाँ पे आपको सिंपली से क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली से अपना नंबर डालनी है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ऊपर में कंट्री सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन मिलेगा, तो फिर से यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा कंफर्म के लिए। उसके बाद जो भी आपका आईएसओ है, जो भी आपका डिवाइस है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा एंड्रॉइड, यहाँ पे एंड्रॉइड रहने देता हूँ, ठीक है। ये चीज करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करनी है, क्या पेस्ट करनी है ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ उसको, स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अपने बना से भी लिख सकते हो या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये चीज को करने के बाद, ये चीज कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं भर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेंड क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाएगा, और सेंड क्वेश्चन का ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ पे आप इसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और सेंड करने के बाद आपको 24 से 48 घंटे के अंदर या आप व्हाट्सएप पे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्प सेंटर मिलेगा, एक कॉन्टेंट अस मिलेगा, जैसे आप हेल्प सेंटर पर क्लिक करोगे तो वही हेल्प सेंटर पर ले जाएगा। तो बट क्या हेल्प सेंटर पर मत क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको कॉन्टेंट सेंटर पे क्लिक करना, यानी कॉन्टेंट अस पे क्लिक करना, ठीक है। और कॉन्टेंट अस पे क्लिक करने के बाद आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि मेरा व्हाट्सएप में कौन सा है, यानी कि व्हाट्सएप, बहुत लोग का व्हाट्सएप बिजनेस होता है, बहुत लोगों का व्हाट्सएप मैसेंजर होता है, जो भी व्हाट्सएप है आपका, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके कंटेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा कंटेंट व्हाट्सएप बिजनेस था, इसी वजह से वहाँ पे नहीं हो रहा था, अगर मैं व्हाट्सएप बिजनेस में करता तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो ये चीज को देख लीजिएगा, जो भी आपका व्हाट्सएप है उसी पे आपको करना है, सेकंड कोई भी दूसरा व्हाट्सएप पे नहीं कीजिएगा, नहीं तो जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो ये चीज को देखने के बाद आपको 100% सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल चीज मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भी मिल जाता है व्हाट्सएप का कॉन्टेंट करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल चीज आपको कॉन्टेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको व्हाट्सएप का कॉन्टेंट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से आप अपना व्हाट्सएप पे कोड वेरिफिकेशन को इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं व्हाट्सएप से, और अपना प्रॉब्लम को सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आई होप दैट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग नॉलेजबल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह से आप अपना व्हाट्सएप को यह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।